वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं भी प्रीति, आप देख रहे हैं माई लाइफ स्टाइल प्रीति की चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं स्पेशली बिगनर्स के लिए साड़ी ड्रेपिंग स्टाइल लेके आई हूँ। हालांकि ये साड़ी ड्रेपिंग स्टाइल मैं पहले भी शेयर की हूँ, बट मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैंने सोचा फिर से ये लुक ट्राई करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आप अपने ट्राउज़र के साथ भी इस लुक को क्रिएट कर सकते हो, अपने पैंट के साथ भी कर सकते हो और लेगिंग्स के साथ। तो फाइनली मैं अपने पैंट के साथ कर रही हूँ। तो साड़ी ड्रेपिंग स्टाइल जो मैं करने वाली हूँ, ये थोड़ी सी ये आर्ट सिल्क साड़ी के साथ करने वाली हूँ। इस टाइप की जो साड़ी होती है थोड़ी सी कड़क वाली होती है ना, बहुत ज़्यादा कड़क भी नहीं होनी चाहिए, बस थोड़ी सी जो कपड़े की क्वालिटी है ना वो थोड़ी सी हल्की सी टाइट होनी चाहिए, जिससे ये लुक अच्छे से आए। तो चलिए पहनते हैं। तो आज मैं ये साड़ी, आप लोगों ने देखी होगी, मैंने एक दो बार वियर किया हुआ है, तो आज मैं यही साड़ी इस लुक के साथ क्रिएट करने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटू सी रिक्वेस्ट है। काफ़ी दिनों बाद मैं इस टाइम पे वीडियो साड़ी ड्रेपिंग की लेके आ रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आज भी मैंने बहुत मुश्किल से ये लुक क्रिएट करने की कोशिश करी है, क्योंकि मैं अभी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, हेल्थ इशू काफ़ी ज़्यादा है बॉडी में, जिसकी वजह से मैं एक्टिव नहीं रह पा रही हूँ। सो प्लीज़ सपोर्ट करिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ, मुझे मोटिवेट कीजिए। सब बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने साड़ियों की इस तरीके से प्लेट्स बनानी है। आधा साड़ी या फिर थोड़ा सा कम, आप अपने हिसाब से मेज़र कर लीजिए, उसके बाद ही प्लेट्स बनाइए। प्लेट्स आप मीडियम बनाइए, बहुत ज़्यादा जैसे हम कमर की प्लेट्स बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपको बनाना है, न ज़्यादा चौड़ा और ना ही ज़्यादा पतला। तो बस यहाँ पे मैं इतने सारे प्लेट्स बना ली हूँ और इतने साड़ियों को छोड़ती हूँ, इतनी साड़ियों को दिखाती हूँ मैं, इतनी और ये इतनी साड़ियाँ मैं छोड़ती हूँ और इतनी साड़ियों की मैं प्लेट्स बना रही हूँ। प्लेट्स बनाने की और इसे हम टक करेंगे साइड में अपने, बिल्कुल ये जो हमारा कमर का एरिया है यहाँ पे हम टक कर लेंगे। उसके बाद इस तरीके से एक राउंड साड़ी को पीछे इस तरीके से लाएंगे, इसे टक करने के बाद, और फिर हम पल्लू मेजर करेंगे। पल्लू हमें मेज़र कर लेना है पहले, इससे हमें एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि हमारी जो साड़ी की लेंथ है वो कितनी है, कितनी हमें रखनी है और कितने में हमें पल्लू शेड करना है। हम अपना पल्लू मेज़र कर लेंगे। पल्लू आप अपने लॉन्ग ही रखना है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं आप लोगों को भी हमेशा अपने वीडियोस में बोलती हूँ, पल्लू हमेशा लंबा रखोगे तो आपका लुक काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट आएगा। उसके बाद हम इस तरीके पल्लू मेज़र करेंगे। पल्लू मेज़र करने के बाद इस तरीके से हमें पीछे से साड़ी को लाना है इस तरीके से, और एक पीछे से टाइटली हमें खींचना है और देखना है कि साइड में हमारे पास कितने कपड़े बच रहे हैं, क्योंकि हमें कमर के पास भी थोड़ा सा लूज छोड़ना है कपड़े को। तो यहाँ पर हमारे पास मेरी साड़ी जो है काफ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें कपड़े नहीं बचे हैं, काफ़ी कम बच रहे हैं, तो यहाँ आई थिंक मेरी एक या दो प्लेट ही बन पाएगी। तो मैं यहाँ पे एक टाइटली यहाँ पे लाऊंगी और जहाँ से ये मेरे कमर का साइड ख़त्म होता है ना, वहीं से मैं प्लेट्स बनाऊंगी, तभी ये अच्छी फिटिंग आएगी पीछे से भी। और हमें यहाँ पर भी लूज छोड़ना है, इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादा प्लेट नहीं बनाएंगे। आप देख सकते हो काफ़ी पास से दिखा दे रही हूँ, दो ही प्लेट्स मैं बनाऊँगी और इसे भी इस तरीके से टक कर लूँगी। बाकी के जो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइड क्लीन, साइड का लुक काफ़ी टाइट होने की वजह से अच्छा आया है, क्लीन आया है। और इधर का भी इस तरीके से, अगर हमें लूज लगता है तो हमें पहले इस तरीके से इसे टक करना है, उसके बाद पल्लू को अच्छे से सेट करना है। आपको जैसे कंफर्टेबल है आप अपने हिसाब से साड़ी को ड्रेप कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरी ये वाली साड़ी थोड़ी सी स्लीपी होती है, आपको पता ही है आर्ट सिल्क। तो यहाँ पे मैं पहले इस तरीके से पल्लू को रख ली हूँ और अब मैं यहाँ पे टाइटली एक प्लेट बनाऊँगी, एक और ये दो, दो प्लेट्स हमारी बन गई। तो अब हमें यहाँ पे टक कर लेना है सिंपली। बाकी के जो यहाँ पे प्लेट्स बच रहे हैं, आई थिंक मुझे लग रहा है कि एक ही प्लेट इसमें अच्छे से जाएगा, दो बना रही हूँ तो थोड़ा सा
ये कपड़ा ज़्यादा फिर छोटा हो रहा है तो मैं एक ही बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से 4, 3, 5 जितने आपकी साड़ी की लेंथ बच रही है उस हिसाब से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पे हमने एक प्लेट बनाई तो शायद ये कपड़ा अच्छे से आ रहा है यहाँ पे। तो अब हम अपना पल्लू बनाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे साइड में आपको जब कपड़ा छोड़ना है पल्लू बनाने के बाद तो ही अच्छा आएगा लुक पूरा प्रॉपर। तो देखिए चलिए हम प्लेट्स बनाते हैं अपना। तो प्लेट्स हम बनाएंगे इस तरीके से, मीडियम, न ज़्यादा चौड़ा न ज़्यादा पतला, मीडियम प्लेट्स बनाएंगे और प्लेट्स हम इस तरीके से मिलाएंगे और सेट करते जाएंगे। ये मैं साड़ी वियर नहीं करती हूँ ना, इस वजह से इसमें मतलब वियर तो करती हूँ, वीडियोस नहीं करती हूँ क्योंकि ऐसे मैं साड़ी आप लोग पता ही बहुत रेयर पहनती हूँ तो इसलिए इसका पीको वगैरह भी अभी नहीं कराई हूँ, तो उसे इग्नोर करना। तो इसे इस तरीके से हम शोल्डर की प्लेट बनाना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट प्लेट बनाने के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे एक सेफ्टी पिन जिससे हमारा जो पल्लू है वो ऊंचा नीचा बिल्कुल भी नहीं हो। तो इस तरीके से बनाने के बाद अब हम सारे प्लेट्स को एक बार छटक लेंगे इस तरीके से और इसके बाद हम मिलाते जाएंगे प्लेट्स को, मिलाते जाएंगे और सेट करते जाएंगे सेफ्टी पिन से। और ये वाला कपड़ा है तो थोड़ा सा आपको इस तरीके से ऐसे ब्लाउज के ऊपर इस तरीके से रखते जाना है और ऐसे प्रेस करते जाना है। इससे क्या होगा कि हमारी शोल्डर की जो प्लेट है वो अच्छी तरीके से बैठ जाएगी, सेट हो जाएगी। तो बस इस तरीके से करना है और सारे प्लेट्स को इसी तरीके से हमें बनाते जाना है और शोल्डर पे रखते जाना है। फिर भी देखो यहाँ एक प्लेट्स मेरी बाहर जा रही है, क्यों भाई आपको बाहर क्यों जाना है? तो ये कपड़े जो है ना काफ़ी स्लिपी होते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है। देखो इस साइड से परफेक्ट आ रहा है, इस साइड से मैं कर लूँ तो भाग नहीं होता। तो फ्रेंड यहाँ पे मेरी कमर की जो प्लेट्स हैं उसे अच्छी तरीके से सेट कर लिए हैं। सेट करने के बाद उसे हम 3-4 सेफ्टी पिन से सेट कर लिए थे, उसके बाद हम एक सेफ्टी पिन लेके शोल्डर पे पिनअप कर लिए हैं। उसके बाद कमर के पास जब हमारा पल्लू सेट हो गया है तो उसके बाद हम चेक कर लेंगे फिर से कि बहुत ज़्यादा लूज होगा तो आप 2-3 प्लेट्स इस तरीके से बना के कमर के पास टक कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं अच्छा लगेगा और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं। जितनी नीड है इस लुक के लिए उतना उस हिसाब से आपको ये लुक क्रिएट करना है। तो देखिए मेरा फाइनल लुक, और यहाँ पे आप बेल्ट ऐड कर सकते हैं, बेल्ट नहीं है तो आप लेस जो आता है वो भी ऐड कर सकते हैं, चौड़ा पतला अपने हिसाब से। फ़िलहाल मेरे पास यही वाला लेस था तो मैं इसी का एज अ बेल्ट यूज़ की हूँ। आप कमरबंद भी यूज़ कर सकते हो, पतले वाले जो चेन आते हैं कमर के वेस्ट चेन वो भी यूज़ कर सकते हो, बट बेल्ट इस लुक के साथ ज़्यादा बेस्ट लगता है। सो देखिए मेरा फाइनल लुक डिफरेंट स्टाइल में, और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके आज की वीडियो कैसी लगी। तो देखिए मेरा फाइनल लुक।
आया होगा, पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर 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 बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी। और चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।